हाँ तो प्रिय साथियों, जय शिव गोरक्ष, जय गुरु गोरक्षनाथ। आज हम बातचीत करेंगे हिंदी भाषा की बोलियाँ, यानी भाषा विज्ञान पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। किस पर बातचीत कर रहे हैं दोस्तों? भाषा विज्ञान पर बातचीत कर रहे हैं। भाषा विज्ञान के उसी अनुक्रम में हम लोग आगे बढ़ें जिस अनुक्रम पर हमने क्लास पिछली पढ़ी थी, ठीक उससे आगे। ठीक है जी सर, पीछे की क्लास में हमने देवनागरी लिपि का विकास पढ़ा। किसका? देवनागरी लिपि का विकास पढ़ा। प्रिय साथियों, हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? प्रिय साथियों, हाँ सर, अपभ्रंश के छह मुख्य भेद हैं। अपभ्रंश के कितने मुख्य भेद हैं? छह मुख्य भेद हैं। अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से जो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश भाषा रही, उसके भी कई प्रकार हैं। मुख्यतः उसके छह प्रकार हैं। किसके? अपभ्रंश के। जबकि आधुनिक भारत में कितनी भाषाएं हैं? 24 भाषाएं हैं, जिनमें 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। इन 24 में से भोजपुरी और राजस्थानी को अभी तक संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, जबकि ये आईएएस में चलती है राजस्थानी भाषा, और इस सब के बावजूद भी उसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। ये राजनीतिक भूलों में से एक है। खैर, भाषिक विस्तार ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ धीरे धीरे भाषाओं को कम करना चाहिए। आधुनिक आर्य भाषाएँ टोटल कितनी हैं? 24 का जन्म अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से हुआ, अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से हुआ, जिसमें 22 को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो सवाल ये पैदा होता है, अपभ्रंश के रूप कौन कौन से हैं? सोरसेनी अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, पेशाची अपभ्रंश, यानी अपभ्रंश के छह मुख्य प्रकार हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आधुनिक हिंदी खड़ी बोली का विकास कौन सी अपभ्रंश से हुआ? सोरसेनी, ये सबको पता है, इसीलिए तो ये नहीं पूछा जाता, फिर भी मुझे इस पर बात करनी पड़ेगी। प्रिय साथियों, अपभ्रंश के छह मुख्य प्रकार हैं। कितने मुख्य प्रकार हैं? छह। पहला है सोरसेनी अपभ्रंश, यानी सूरवीरों के पुत्रों की भाषा। सूरवीरों के पुत्रों की भाषा है ये, पुत्रों की भाषा, दैट इज कॉल्ड सोरसेनी। सूर में ए प्रत्यय लगाओ, सूर में ए प्रत्यय लगाने पर शौर, और सेन का शाब्दिक अर्थ होता है पुत्र, और पुत्रों की भाषा, चूंकि भाषा स्त्रीलिंग है इसलिए सोरसेनी अपभ्रंश। सोरसेनी अपभ्रंश भारत के यहाँ लद्दाख से लेकर के और दक्षिण में यहाँ सूरत, गुजरात और महाराष्ट्र तक का ये जो बीच का इलाका है, इसे आप इतिहास में गुजरात्रा के नाम से पढ़ेंगे। लद्दाख, इधर आपका हिमाचल प्रदेश, शिमला, मनाली, इधर आपका उत्तर में जम्मू एंड कश्मीर, आपका हिमाचल प्रदेश यहाँ पर, इन यहाँ फिर आपका दिल्ली, मेरठ, आपका अल्मोड़ा, उत्तराखंड, फिर ये राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, ये जो पूरा इलाका है, फिर नीचे गुजरात, इधर महाराष्ट्र, और ये वाला जो इलाका है इसे प्रिय साथियों गुजरात्रा के नाम से जाना जाता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि सोरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी हिंदी विकसित हुई, कौन कौन सी हिंदी क्या है कि बोलियां विकसित हुई, सवाल ये पैदा होता है। सोरसेनी अपभ्रंश से
नंबर एक पर आपकी पश्चिमी हिंदी, नंबर दो राजस्थानी हिंदी, नंबर तीन पहाड़ी हिंदी में कुमायूनी और गढ़वाली दोनों आती हैं। इसके बाद नंबर चार पर गुजराती हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और गुजराती हिंदी। अब आप ये कहेंगे कि सर खड़ी बोली की उत्पत्ति पश्चिमी हिंदी से है, किससे? पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली की उत्पत्ति पश्चिमी हिंदी से हुई है। अब सवाल मोटे तौर पर ये पैदा होता है, जो पश्चिमी हिंदी है जिसे खड़ी बोली पैदा हुई, राजस्थानी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी जो कि हिमाचल प्रदेश की कुमायूनी और गढ़वाली है, इसके अलावा गुजराती। देखो वही अनुक्रम बन गया, गुजरात से आप आगे आएंगे तो राजस्थान से आप आगे आएंगे तो हिमाचल प्रदेश, और ये आपका मेरठ का हिस्सा, इन सब की उत्पत्ति ये सौर से नक्षत्र है, और वहाँ की अपभ्रंश को तत्कालीन समय में सौरसेनी अपभ्रंश कहा जाता था। आपसे सवाल पुटअप होता है राजस्थानी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश नहीं सॉरी आपसे सवाल पूछा जाता है कि राजस्थानी हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश के कौन से रूप से हुई, तब आपका उत्तर सौरसेनी अपभ्रंश होगा। आपसे सवाल पूछा जाता है गुजराती हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश के कौन से रूप से हुई, तब भी आपका उत्तर सौरसेनी अपभ्रंश ही होगा। अगर आपसे पूछा जाए गढ़वाली और कुमायूनी बोलियों अथवा भाषाओं की उत्पत्ति अपभ्रंश के कौन से रूप से हुई, तब भी आपका उत्तर सौरसेनी अपभ्रंश ही होना चाहिए। तब भी आपका उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों? सौरसेनी अपभ्रंश ही होना चाहिए। राइट नाउ, राइट सर, आगे बढ़े। जी सर, नंबर दो पर, पहला नंबर इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि खड़ी बोली की उत्पत्ति, राजस्थानी की उत्पत्ति और पहाड़ी हिंदी की उत्पत्ति और गुजराती हिंदी की उत्पत्ति चूंकि सौरसेनी अपभ्रंश से हुई, इसलिए पहला प्रकार वेरी वेरी मोस्ट और इंपॉर्टेंट था। अब नंबर दो पर मैंने आपसे ये भी गुजारिश की है कि अपभ्रंश के कितने रूप हैं? छह रूप हैं। अपभ्रंश के कितने रूप हैं? दो, छह, जिसमें नंबर दो पर आ गए पैसाची अपभ्रंश, पिशाच में ई परते लगाओ, तांत्रिकों की भाषा, पिशाच में ई परते लगाने पर जिस शब्द की उत्पत्ति होती है वो पैसाची। पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी की उत्पत्ति हुई। अब आपको समझने में आसानी होगी सर कैसे पैसाची और पंजाबी। पंजाबी के समकक्ष या पंजाबी का ही दूसरा रूप लहंदा भाषा है। लहंदा कहाँ की भाषा? आज पंजाब की है। तो आपको याद रखने के लिए पंजाबी और पैसाची। पैसाची भाषा की जो सर्वश्रेष्ठ करती है वो है प्रसंग पारिजात। पैसाची भाषा की सर्वश्रेष्ठ करती है प्रसंग पारिजात। सर प्रसंग पारिजात के लेखक कौन है? चेतन दास। आप कलम और पेन लेकर बैठिए, आप इस बात को लिखें। प्रसंग पारिजात कौन सी भाषा की करती है? पैसाची, जिसे उस समय पैसाची कहा, आज हम उसको पैसाची अपभ्रंश पढ़ते हैं। और पैसाची अपभ्रंश भाषा की प्रमुख करती है प्रसंग पारिजात, और जिसके रचनाकार हैं चेतन दास। पिशाच, तांत्रिकों की भाषा, पिशाच में ही परते लगा दो पैसाची। तो पैसाची, पैसाची और पंजाबी, पंजाबी का ही दूसरा नाम लहंदा है। राइट नाउ, जैसे राजस्थानी का दूसरा नाम मारवाड़ी है कह देते हैं, ठीक उसी प्रकार पंजाबी का दूसरा नाम लहंदा है। ओके दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये बात आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। जी सर, मोटे तौर पर आपसे सवाल ये पूछा जाता है अपभ्रंश के कितने रूप हैं? छह, जिसमें दूसरे पर हमने बातचीत यहाँ पर की। तीसरा है ब्राचड़ अपभ्रंश। तीसरा जो रूप है वो ब्राचड़ अपभ्रंश है, जिससे सिंधी भाषा की उत्पत्ति हुई।
संविधान के मूल भाग में सिंधी को मान्यता प्राप्त नहीं थी। भारतीय संविधान के मूल भाग में सिंधी को मान्यता प्राप्त नहीं थी। संविधान के मूल भाग आठवीं अनुसूची राजभाषा अध्याय 17 में केवल 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी और 21वें संविधान संशोधन 1967 और 21वें संविधान संशोधन जो कब हुआ था सन 1967 में सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में मान्यता दी गई। सिंधी को कौन सी भाषा के रूप में 15वीं भाषा के रूप में मान्यता दी गई। ऑल्सो राइट राइट सर। उसके बाद हम भारत के लोग 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दे चुके हैं। संविधान के मूल भाग में केवल 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। 15वीं भाषा के रूप में कौन सी जुड़ी सिंधी। सिंधी का विकास किससे हुआ ब्राचड़ अभ्रंश से। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि सिंधी का विकास किससे हुआ ब्राचड़ अभ्रंश से। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में संवैधानिक दर्जा दिया गया। अपभ्रंश का चौथा महत्वपूर्ण रूप आता है महाराष्ट्री अभ्रंश। महाराष्ट्री अभ्रंश से मराठी का उदय हुआ और आपको प्रभाकर बलवंत माचवे की याद आ रही होगी, वो मराठी साहित्यकार थे, मराठी से हिंदी में आए थे। प्रिय साथियों ये आपको ऑटोमेटिक याद होगा, मैं महाराष्ट्री अभ्रंश और मैं मराठी, इसलिए मराठी की उत्पत्ति महाराष्ट्रीय अभ्रंश से। वैसे कॉमन सेंस के आधार पर भी याद है आपको कि महाराष्ट्र यानी मुंबई की भाषा क्या है मराठी है, इसलिए इसको ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं। अब आती है पांचवी अभ्रंश के रूप में मगध प्रदेश की अपभ्रंश। मगध में ई प्रत्यय लगाओ। मगध एक प्रदेश है, जैसे मिथिला की भाषा मैथिली है ठीक उसी प्रकार मगध की भाषा ई प्रत्यय लगाने पर क्या बन गया मागधी। ई प्रत्यय के प्रयोगित होने पर विशाल में ई लगाने पर वैशाली, राइट, नर में लगाने पर नारी, इसलिए मैं भी बदलेगा, मैं का माँ प्रथमा अक्षर एक प्रत्यय की तरह बदलता है और अंतिम अक्षर अकॉर्डिंग टू द सफिक्स यानी प्रत्यय के अनुसार बदलता है। तो मागधी अभ्रंश से बिहारी हिंदी की उत्पत्ति हुई। कौन सी हिंदी, बिहारी हिंदी, जिसमें तीन बोलियां आती हैं मगही मैथिली और भोजपुरी। बिहारी हिंदी में तीन बोलियां आती हैं मगही मैथिली और भोजपुरी। तो बिहारी हिंदी का विकास अपभ्रंश के कौन से रूप से हुआ मागधी अपभ्रंश से। अपभ्रंश के मुख्य भेद कितने, 6, जिसमें हम कितने पर हैं 5वें पर हैं। फिर जो बांग्ला हिंदी है यानी बंगाल की जो भाषा है कलकत्ता की भाषा है वो भी मागधी अपभ्रंश से ही पैदा हुई क्योंकि बिहार से सटा हुआ इलाका पश्चिमी बंगाल है। इसके अलावा उड़िया और असमिया हिंदियों का विकास भी, असम में जो हिंदी बोली जाती है उसका विकास भी मागधी अपभ्रंश से ही हुआ। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर। छठे रूप पर आ गया है, ये छठा रूप अर्ध मागधी। अर्ध मागधी अभ्रंश से पूर्वी हिंदी की बोलियों की उत्पत्ति हुई। पूर्वी हिंदी में तीन प्रमुख बोलियां आती हैं, जैसे बिहारी हिंदी में तीन आती हैं मगही मैथिली और भोजपुरी, ये बिहारी हिंदी में आती हैं। अगर आप पूर्वी हिंदी की बात करें तो उसमें आपके अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी आती हैं, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश के कौन से रूप से हुआ, तो इसका उत्तर है अर्धमागधी अपभ्रंश। इसका उत्तर क्या है अर्धमागधी अपभ्रंश, आपसे निश्चित तौर पर पूछा जाएगा अवधी कौन सी हिंदी की बोली है, तब आपका उत्तर होगा पूर्विया भाषा है, ये पूरब की भाषा है। कबीर ने भी एक जगह लिखा है भाषा हमारी पूरब की, भाषा हमारी पूरब की, ये पूरबियों की भाषा है, पूर्वांचल की भाषा है। ये आपसे निश्चित तौर पर पूछा जाएगा
क्योंकि तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधि में ही लिखा, ये अवध प्रदेश की भाषा भी कहलाती है। इसलिए पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं, तीन, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जबकि बिहारी हिंदी में भी तीन आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। अब सवाल ये पैदा होता है कि पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली है, तो पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली है अवधि। पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली कौन सी है, अवधि है, राइट। और सवाल ये पैदा होता है कि फिर इस पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ, तो अपभ्रंश के कौन से रूप से हुआ, अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ। तो प्रिय साथियों, हाँ सर, ये छह प्रमुख रूप अपभ्रंश के हैं। मैं एक बार आपको पीछे स्लाइड में लेके चलता हूँ, जिससे आपको ये पता चले कि हम कहाँ से चले थे। आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से हुआ, जिसमें अपभ्रंश के छह मुख्य रूप मैंने आपको दिखाए हैं, और छह मुख्य रूप हैं, छह भेद हैं अपभ्रंश के। पहला है सोरसेनी अपभ्रंश, जिससे पश्चिमी हिंदी यानी खड़ी बोली, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और गुजराती हिंदी का विकास हुआ। सोरसेन अक्षेत्र भी कहलाता है। इसके बाद हमने पढ़ा पैसाची अपभ्रंश, जिसे लहंदा और पंजाबी भाषा का विकास हुआ। आज पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, और आज पाकिस्तान में भी एक गुजरांवाला स्टेट है। तो जो पंजाब में, पाकिस्तान में पंजाब स्टेट है, वो पैसाची अपभ्रंश से उसकी भाषा पैदा हुई, और जो पाकिस्तान में गुजरांवाला स्टेट है, उसकी उत्पत्ति सोरसेनी से हुई है। अब आता है ब्राचड़ अपभ्रंश, जिससे सिंधी की उत्पत्ति हुई, इसके बारे में मैंने आपसे काफ़ी बातचीत की। फिर आता है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, जिससे मराठी भाषा की उत्पत्ति हुई। फिर आती है मागधी अपभ्रंश, जिससे बिहारी हिंदी, बांग्ला, उड़िया और असमिया हिंदियों का, भाषाओं का भाषाई विकास हुआ। इसके बाद छठा जो भेद है वो अर्धमागधी है, जिससे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ, और पूर्वी हिंदी की तीन बोलियाँ अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी हैं। पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली है अवधि, जिसमें तुलसीदास ने रामचरितमानस और जायसी ने पद्मावत लिखा। ठीक है सर, आगे बढ़ूं? जी सर, अवधि बोली की उत्पत्ति, नोटिंग पर गौर करेंगे, वही नोटिंग है जिस पर मैंने आपसे बातचीत की। अवधि बोली की उत्पत्ति कौन सी हिंदी व कौन सी अपभ्रंश से हुई है? अस्तु प्रिय साथियों, अवधि बोली की उत्पत्ति पूर्वी हिंदी से और अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। या आप इस अनुक्रम को ऐसे समझ सकते हैं, अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा से, चूंकि एक भाषा है, अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ, और पूर्वी हिंदी की प्रमुख जो बोली है वो अवधि है। वैसे पूर्वी हिंदी की तीन बोलियां हैं, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से ही हुआ है। ओके दोस्तों, इसके बाद एक और तथ्य यहाँ पर बेहतरीन है कि राजस्थानी भाषा, जिसे आज राजस्थानी कहते हैं, आज राजस्थानी कहते हैं, पहले इसका नाम गुजरी था। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से हुई। जब अपभ्रंश भाषा अस्तित्व में थी, तब इसे गुजरी अपभ्रंश ही कहा जाता था। कालांतर में इसी गुजरी अपभ्रंश को राजस्थानी हिंदी कहा जाने लगा। ये प्रश्न कई मर्तबा पूछा गया है, पर सवाल एक और पैदा होता है कि गुजरी अपभ्रंश इज द पार्ट ऑफ सोरसेनी अपभ्रंश। गुजरी अपभ्रंश इज द पार्ट ऑफ सोरसेनी अपभ्रंश। अब आप ये कहेंगे, सर फिर तो अपभ्रंश सात प्रकार की हो गई। नहीं, अपभ्रंश के छह मुख्य भेद हैं और दो अन्य इसलिए हैं कि सोरसेनी भी गुजरी है, और उससे राजस्थान में उसी सोरसेनी को गुजरी अपभ्रंश के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक हमने ये वाली बातचीत आपसे की। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस हिंदी को
14 सितंबर 1949 को राजभाषा बना दिया। एक भाषा बनने के लिए उसकी कई उपभाषाएं होती हैं और उपभाषा बनने के लिए उसकी कई बोलियां होती हैं। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, भारत एक देश है, देश किससे बनता है? राज्यों से, और राज्य किससे बनता है? जिले से। तो जिला एक बोली है, राज्य एक उपभाषा है और देश एक भाषा है। आप इस तथ्य को आगे चलकर इसी अर्थ में समझेंगे। तो मैं आगे बढ़ूं। जी सर, हिंदी क्या है? आज हिंदी एक भाषा है, हिंदी समझना एक भाषा है। भाषा किससे मिलकर बनती है? उपभाषाओं से मिलकर के क्या बनती है? भाषा। इसलिए आपसे पूछा जाता है कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं, तो सटीक उत्तर देना 5 उपभाषाएं हैं। और इन 5 उपभाषाओं की बोलियां टोटल कितनी हैं? टोटल हैं 17 बोलियां, टोटल हैं 17 बोलियां। तो हिंदी क्या है? एक भाषा है जिसकी 5 क्या हैं? उपभाषाएं। सर 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? एक उपभाषा तो ये रही जिसको हम पश्चिमी हिंदी कहते हैं। पहले इसी को देखो, 5 उपभाषाएं, आप इधर मत देखो, ये बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी, जी सर। पूर्वी हिंदी, जी सर। राजस्थानी हिंदी, जी सर। पहाड़ी हिंदी, जी सर। और बिहारी हिंदी। ये 5 उपभाषाएं हैं और इनके जो सामने लिखा हुआ है ये बोलियां हैं। तो मैं आपको वहीं पर लेके चलता हूं जहां से अपन इस बात को शुरू किया था। प्रिय दोस्तों, आप एक बात बासाख्ता समझेंगे। सर क्या? मैं समझा देता हूं। अनेक बोलियां, अनेक बोलियों से मिलकर, अनेक बोलियों से मिलकर एक उपभाषा बनती है। एक क्या बनती है? उपभाषा बनती है। और अनेक उपभाषाओं से, प्रिय साथियों, अनेक उपभाषाओं के मिलन से एक भाषा बनती है। अनेक उपभाषाओं के मिलन से एक भाषा बनती है। जैसे हिंदी एक भाषा है, जी सर, इसकी 5 उपभाषाएं हैं और एक उपभाषा की कई बोलियां होती हैं। 5 उपभाषाओं की टोटल जो बोलियां हैं वो 17 बोलियां हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है 5 या 15, किसी में 4 हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 5 बोलियां हैं। आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है सर, अब मैं यहाँ आता हूँ। पश्चिमी हिंदी एक उपभाषा है, हिंदी एक भाषा है जिसकी पश्चिमी हिंदी एक प्रमुख उपभाषा है। इस उपभाषा से खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ, कुरुक्षेत्र में हुआ यानी मेरठ में हुआ, इसलिए खड़ी बोली को कोरवी भी कहा जाता है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति कौन सी उपभाषा से हुई? तब आपका उत्तर होना चाहिए पश्चिमी हिंदी। और इसी पश्चिमी हिंदी से सर्वाधिक रसीली बोली ब्रजभाषा विकसित हुई, इसी पश्चिमी हिंदी से हरियाणवी, इसी पश्चिमी हिंदी से हरियाणवी जिसका दूसरा नाम बांगरू है, क्योंकि नीरस भाषा हरियाणवी का उदय भी पश्चिमी हिंदी से, और बुंदेली का विकास भी पश्चिमी हिंदी से, और कन्नौजी भाषा का विकास भी पश्चिमी हिंदी से हुआ। कन्नौजी का ज़्यादा संपर्क ब्रज भाषा से है, इसलिए कुछ भाषा वैज्ञानिक तो ब्रज भाषा की भी एक उपबोली मान लेते हैं, किसको? कन्नौजी को। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, समानता इनमें जरूर है। तो पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियाँ हो गई? 1, 2, 3, 4 और 5। 5 तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हो गई और टोटल बोलियां हैं 17। टोटल बोलियां कितनी हैं? 17 हैं। ठीक है दोस्तों, तो पश्चिमी हिंदी की
बोलियां कौन कौन सी, खड़ी बोली जो बाद में जाकर एक भाषा बन जाती है इस देश की, कौन खड़ी बोली जिसे कोरियो भी कहा जाता है। आज जिस हिंदी को राजभाषा भारतवर्ष ने मान रखा है या बनी है वो खड़ी बोली ही है। इसके बाद ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी में आती है, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। राइट सर। अब आपकी ये सवाल ये पैदा होता है कि पश्चिमी भारत में तो राजस्थान आता है, ऐसा नहीं है। उस समय जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, पाकिस्तान भी भारत में था, अफगानिस्तान भी भारत में था, तब भारत के बीच में खड़े होकर देखते थे तो जो दिल्ली है, मेरठ है, ये वाला हिस्सा पश्चिमी भारत में आता था। कौन से भारत में आता था? पश्चिमी भारत में आता था। इसलिए आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला ही है, कौन सा? मेरठ जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही जिला है। नोएडा है, मेरठ है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही जिले हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ो। जी सर, ये बात हमने कर ली। ओके सर, आगे बढ़ रहा हूँ। अब आती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी क्या है? एक उपभाषा है, पांच में से एक उपभाषा है जो कि यहाँ दूसरे नंबर पर है। पूर्वी हिंदी की तीन बोलियाँ विकसित हुई, नंबर एक अवधी, नंबर दो भगेली और नंबर तीन छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं या पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियाँ हैं? आपका उत्तर होना चाहिए तीन। राइट सर, बेहतरीन बात यहाँ पर की जा रही है। ओके सर, टोटल मिलाएंगे तो बोलियाँ 17 हो जाएंगी। कैसे? पांच हमने वहाँ पढ़ ली पहले वाली स्लाइड में, तीन ये 8 हो गई। जी सर, अब आती है राजस्थानी हिंदी। एक उपभाषा है जो कि तीसरे नंबर पर यहाँ है। राजस्थानी हिंदी की चार प्रमुख बोलियाँ हैं। राजस्थानी हिंदी की चार प्रमुख बोलियाँ कौन कौन सी हैं? जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर मारवाड़ी बोली बोली जाती है। पूर्वी राजस्थान की बोली जो कि जयपुर और दौसा और किशनगढ़ क्षेत्रों में बोली जाती है उसे ढूंढाड़ी या जयपुरी कहते हैं। मारवाड़ी का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये जो है मारवाड़ी हिंदी का भौगोलिक क्षेत्र है। अगर पूर्वी राजस्थानी की बात करें तो अच्छा, इसमें आपको समझने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। चार दिशाएं होती हैं और राजस्थानी हिंदी को चार दिशाओं के आधार पर चार में बांटा गया। पश्चिमी राजस्थान वाली को मारवाड़ी कहा गया जिसमें जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर का इलाका, फलोदी का इलाका आता है। पूर्वी राजस्थान, सर जयपुर पूर्वी राजस्थान में है क्या? हाँ, जब हम राजस्थान के शहर बीच मकराना में खड़े होकर देखते हैं जो कि नागौर में है, तो जयपुर किधर दिखाई देगा? पूर्व में। किसी भी स्टेट के बीच में खड़ा होकर हमें देखना पड़ता है, तो जयपुर पूर्वी राजस्थान में आता है। और जयपुर की जो भाषा है वो ढूंढाड़ी या जयपुरी, जिसमें दौसा और अजमेर का किशनगढ़ क्षेत्र भी शामिल है। फिर आता है उत्तरी राजस्थान, जिसमें अलवर और अलवर से सटा हुआ झुंझुनू जिले का इलाका आता है, और जिसमें गुरुग्राम का यानी हरियाणा का एक नूह जिला भी आ जाता है, और वहाँ की भाषा को मेवाती के नाम से जाना जाता है। उस क्षेत्र को मेवात भी कहा जाता है। अब आते हैं दक्षिणी राजस्थान में, उस प्रदेश को मालवा भी कहा जाता है, इसलिए दक्षिणी राजस्थान की भाषा मालवी या हाड़ोती। इसमें हाड़ोती में जो है कोटा जिला आता है राजस्थान का, झालावाड़, कोटा, बूंदी और 12 जिले जो हैं वो मालवा हाड़ोती, और ये वाला हिस्सा दक्षिणी राजस्थान का मध्य प्रदेश के मालवा जिले से भी टकराता है। मूलतया मालवा का जो ज़्यादा इलाका है वो मध्य प्रदेश का धार जिला है। कौन सा? धार जिला है, जिसे देवास भी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश का देवास, राजस्थान का कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़
और मध्य प्रदेश का मालवा धार इलाका चूँकि मालवी भाषा में आता है, इसे हाड़ोती के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं? हाड़ोती के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद नंबर चौथी जो उपभाषा है वो पहाड़ी हिंदी, चौथी उपभाषा पहाड़ी हिंदी। इसमें पहाड़ी हिंदी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का इलाका आता है। किसका? हिमाचल प्रदेश का, जिसमें शिमला, मनाली, कुमायूं, गढ़वाल आदि क्षेत्र आते हैं। तो पश्चिमी पहाड़ी, जिसमें मुख्यतः कुमायूनी आती है, और मध्यवर्ती पहाड़ी, जिसमें मुख्यतः गढ़वाली आती है। तो पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी, चूँकि ये इलाका हिमाचल प्रदेश का है, तो हिमाचल प्रदेश आप इसे कह सकते हैं। शिमला, शिमला, मनाली और उत्तराखंड का इलाका भी इसमें आता है, जैसे अल्मोड़ा, उत्तराखंड का इलाका भी इसमें आ जाता है पहाड़ी हिंदी में, जैसे अल्मोड़ा। ओके, तो ये पहाड़ी हिंदी हो गई। ठीक है, ठीक है। अब आती है बिहारी हिंदी, पांचवी उपभाषा है बिहारी हिंदी, और इसमें तीन बोलियां आती हैं। मगही, जिसमें दिनकर लिखा करते थे, मगही जिसमें दिनकर, मैथिली जिसमें विद्यापति और बाबा नागार्जुन लिखा करते थे, भोजपुरी में जयशंकर प्रसाद लिखा करते थे। तो बिहारी हिंदी की तीन प्रमुख बोलियां, टोटल मिलाकर ये 17 बोलियां होगी। कितनी बोलियां? 17 बोलियां, पांच उपभाषाएं और एक हिंदी भाषा। प्रिय साथियों, नोटिंग पर गौर करेंगे, इनमें भोजपुरी बोली को बोलने वालों की, इनमें बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। एक सर्वे के अनुसार लगभग 3.5 करोड़ लोगों के द्वारा भोजपुरी बोली जाती है। और प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, सर्वाधिक जो चलचित्र हैं आंचलिक भाषा में, वो भोजपुरी में ही बनते हैं। ओके दोस्तों, शुक्रिया आप सबका। मैं आपका डॉक्टर साहिल गुर्जर, सबका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। दैट्स ऑल।